हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। यू नो व्हाट, इट्स माय सेकंड लेक्चर दैट आई एम रिकॉर्डिंग इन फ्रंट ऑफ वीडियो कैमरा। एक्चुअली सब लोग अपन ने शिकोना एक बेटर एक वर्ट कैमरा में शिकोना होगा। सीरियसली लोगों के सामने पढ़ना आसान पड़ता है इन फ्रंट ऑफ, और डिफिकल्ट के कैमरे के सामने पढ़ना पड़ता है। कैमरे के सामने पढ़ना मतलब बहुत डिफिकल्ट टास्क है, कोई दिख भी नहीं रहा और खुद से बातें करते जा रहे, देखो कैसे घूर रहा, देखो देखो ऐसे लगता है मेरे जाने का भी कैमरा और तुम्हें घूरते जा रहे बहुत सारे। सौ लोग दिखा, 200 लोग दिखा कुछ लगेगा नहीं, बट ये आपके लिए से बात करना बहुत मुश्किल। बात करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की। हिंदी मदद है, हिंदी आ गया कि बगा समझ आता है, कमेंट करा हिंदी में समझ आता है, समझ तो हिंदी मराठी इंग्लिश हिंदी का मैं रहे मिक्सचर सरल मिक्सचर। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल मदद डिस्कस कर लो। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो लेक्चर है लो फर्स्ट, ठीक है, थोड़ा एक्सपीरियंस ठीक है। पहले लेक्चर जे ने काय त्रुटी दसते त्या या लेक्चर मध्ये निघून जाते, थोडं थोडं बोलण्यामध्ये टॉलरन्स म्हणा किंवा जे काय करतो आपण मेजरमेंटच्या बाबतीत मध्ये बोलतो रिजिड प्रिसिजन, ते याच्यामध्ये थोडस इन्क्रीज होणार। ठीक आहे, त्याचं कोणाला डाउट असेल तर विचारतो कमेंट्स मध्ये म्हणा किंवा पर्सनल म्हणा। ओके, सिस्टम ऑफ पार्टिकल सेंटर ऑफ मास बद्दल डिस्कस करतो सेकंड लेक्चर, ते सांगा। बट थोड्या ज्या गोष्टी मला वाटतात त्या तुम्हाला माहित असायला हवं, त्या सांगा। आप लोगों को कितना भी पढ़ा कमी पड़ता है, किती वेळ सांगत तुम्हाला कमीच पडणार आहे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स समजायचं बघा काय झालं त्यामध्ये, जे सांगितलं तुम्हाला काय सांगितलं होतं, सेंटर ऑफ मास वगैरे सांगितलं, एक्स सेंटर ऑफ मास, वाय सेंटर ऑफ मास, झेड सेंटर ऑफ मास, ते काढता येतं नो प्रॉब्लेम, त्याच्यामध्ये नो प्रॉब्लेम। बट काही इम्पॉर्टंट थिंग्स आहे ते डिस्कस करावं। ठीक आहे, बघा एखादा एक्सटर्नल फोर्स आहे, अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स है और वो किसी मास पे लगने वाला है, ये एक्सटर्नल फोर्स किसी मास पे लगने वाला है, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें कुछ चेंज होगा, इसके फिजिकल पैरामीटर्स के जो प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज मतलब कौन सी, उसका डिस्टेंस चेंज होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी या फिर उसका एक्सेलरेशन चेंज होगा, पता है ये सब कुछ तो चेंज होगा उसमें। ठीक है, वही देखना है उसे। ठीक है, मान लो ये कोई बॉक्स है, क्या होगा अगर मैं वही न्यूटन बाबा का एक्सटर्नल फोर्स इस कॉर्नर पे लगाऊं तो क्या होगा, ये इस तरफ घूमेगा। क्लियर, ये इस तरफ घूमेगा। वही एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं इस तरफ से लगाऊं, वही एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ से लगाऊं तो क्या होगा, ये इस तरफ घूमेगा। कुछ याद आ रहा है, टेंथ स्टैंडर्ड तक पढ़ा होगा, ये बॉक्स को हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे और ये बॉक्स एक्सेलरेट हो रहा है, इधर से भी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे, ये पूरा का पूरा बॉक्स एक्सेलरेट कर रहा था। इस केस में, ये वाले केस में अगर इसको एक स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कराना हो तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली हमें जो एक्सटर्नल फोर्स है उस सेंटर में लगाना पड़ेगा। कहाँ लगाना पड़ेगा, सेंटर में लगाना पड़ेगा, तभी तो ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा, इतना तो पता है। अगर मान लो ये सेंटर में ना लगा, एक्सटर्नल फोर्स सेंटर में ना लगा, फिर भी हमें इसको एक सिंगल पाथ में ट्रैवल कर रहा है, तो पॉसिबल है, पॉसिबल है। क्या करना पड़ेगा, इस तरफ से भी एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, इस तरफ से भी एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, इस तरफ से भी एक्सटर्नल फोर्स, इस तरफ से भी एक्सटर्नल फोर्स, कितने फोर्स की क्वांटिटी होगी यहाँ पे, चार। एक बात समझ में आई, चारों फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लगा रहे, डायरेक्शन मतलब पोजीशन, डायरेक्शन तो एक ही है,
समझो यार, होता है कितना होता है जाता है, पोजीशन अलग अलग है, डायरेक्शन एक ही है, ठीक है, डायरेक्शन एक ही है, तो क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा। अगर इन्हीं चारों फोर्स को अगर एग्जीक्यूट करे किसी सिंगल पॉइंट पे, चारों फोर्स को अगर किसी सिंगल पॉइंट पे एग्जीक्यूट करें तो क्या पॉसिबल है सिंगल पाथ में इसको ट्रैवल कराना? पॉसिबल है, यही तो करना है। न्यूटन्स के जो लॉज होते, एक बात हमेशा याद रखो, न्यूटन्स के जो भी लॉज होते, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स के लॉज ज्यादा करके हमने कहा पढ़ा है, लॉज ऑफ मोशन में जितने भी लॉज ऑफ मोशन की जितने भी लॉज ऑफ मोशन में जो हमने फॉर्मूले देखे वो सब एप्लीकेबल थे किसी पॉइंट चार्ज के लिए। याद रखने योग्य बात, किसके लिए चार्ज, किसके लिए लॉज होता है, पॉइंट चार्ज के लिए। एक्सटर्नल फोर्स जो लागू है आपण, तो कोणासाठी लागू होतो, पॉइंट चार्ज, या सिस्टीम साठी सुद्धा, या सिस्टीम साठी सुद्धा आपल्याला काय करायचंय, फोर्स लावायचा आहे, कुठे, पॉइंट चार्ज वर, कुठे लावायचंय, पॉइंट चार्ज वर। मग या पूर्ण सिस्टीमचं मास ज्या ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेट केलेलं असणार त्यालाच काय म्हणणार आपण, पॉइंट चार्ज। प्रत्येक सिस्टीम साठी वेगवेगळे असतात, मल्टिपल इमॅजिन करा, मल्टिपल पार्टिकल्सची एक सिस्टीम आहे, मल्टिपल पार्टिकल्सची काय एक छोटीशी सिस्टीम आहे, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे पार्टिकल्स असतात, एखादा एक्सटर्नल फोर्स लागला तर ती बॉडी एक्सिलरेट करणार, क्लिअर, बॉडी काय करणार, मूव्ह करणार, व्हेलॉसिटी असणार, एक्सिलरेट करणार, जर व्हेलॉसिटी चेंज झाली टाइमसोबत तर एक्सिलरेट सुद्धा करणार, क्लिअर इतपर्यंत। मग ही तर आता काय करणार आहे, पुढे जाणार, आधी काय सांगितलं होतं, पहिले काय बघायला का, इस तरफ से एक्सटर्नल फोर्स लगा ये कॉर्नर से, इस तरफ से एक फोर्स लगा ये कॉर्नर से, उसके बाद क्या कर, सेंटर से लगा, मतलब हम कर क्या रहे थे, ट्रायल एंड एरर कर क्या रहे थे, ट्रायल एंड एरर कर रहे थे, तब जाके पता चला कि अगर सारे फोर्स किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो तो इस सिस्टम को किसी सिंगल लाइन या फिर स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करना पॉसिबल है, तो वही हम कर रहे हैं, क्योंकि वो पॉइंट कौन सा, वो सेंटर, वो पॉइंट कौन सा, वो सिस्टम का सेंटर। यहाँ तक क्लियर है सबको, बता यार जल्दी जल्दी बोलो, ऊपर से जा रहा है किसी के, अगर ऊपर से जा रहा है तो रिवाइज करके फिर से देखो, या फिर किताब में एक और इक्वेशन या फिर थ्योरी उसके देख लो। चलो मान लो हमारे पास अलग अलग मासेस है, एम वन यहाँ पे, एम वन यहाँ पे, एम टू यहाँ पे, एम टू यही होगा। इसको इमेजिन करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको इमेजिन करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ये हो वाई, ये हो एक्स, क्या होगा अगर मैं इसको यहाँ से जोड़ दूँ, मान लो ये इसके सेंटर से कनेक्टेड है, ये सेंटर से और ये भी सेंटर से, और इसका जो डायरेक्शन या जो डिस्टेंस है कहां से, ओरिजिन से, कहां से, ओरिजिन से, ध्यान रखो मैं बात क्या करो, ओरिजिन से मैं डिस्टेंस कर, डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं। चलो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने मान लिया ये r1 है, डिस्टेंस r1 d कुछ भी बोलो, ये हुआ r2, ओरिजिन से m2 का डिस्टेंस r2, ओरिजिन से m1 का डिस्टेंस r1, तो ये क्या हुआ r2, डायरेक्शन अलग अलग है, हम इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, r3 बार, r2 बार, r1 बार, करेक्ट, समझ में आ रहा है, यहां तक सबको क्लियर है। तो एक बात बोलो, अगर हम इन तीनों का, हम इन तीनों का इंडिविजुअल इफेक्ट कैलकुलेट करें तो क्या होगा, हम इन तीनों का इंडिविजुअल इफेक्ट के बारे में सोचे तो क्या होगा, बोलो मास वन का इंडिविजुअल इफेक्ट क्या दिख रहा है तुमको, अरे यार m1 इंडिविजुअल इफेक्ट, मास वन सिंगल है, इसका इंडिविजुअल इफेक्ट क्या है, r1 तो है, ओरिजिन से इसका तुम्हें क्या पता चल रहा है, सिर्फ डिस्टेंस ही तो पता चल रहा है, तो m1 के साथ इसका क्या दिख रहा है तुम्हें, इंडिविजुअल इफेक्ट r1। सिमिलरली हमारे पास कौन है, m2, उसका इंडिविजुअल इफेक्ट क्या दिखेगा, उसकी सिर्फ पोजीशन ही तो बदली है, उसकी क्या बदली है, m2 की क्या बदल, क्या चेंज दिख रहा है तुम्हें, इसके प्रॉपर्टी में क्या चेंज दिख रहा है, सिर्फ डिस्टेंस तो चेंज दिख रहा है, m3 की प्रॉपर्टी के बारे में सोचो तो क्या पता चलेगा, उसकी पोजीशन
बदल चुकी है, इसी को क्या बोलते हैं, क्या कहेंगे इसी को, इंडिविजुअल इफेक्ट। तो बोलो एम इंटू आर वन, एम इंटू आर टू, एम इंटू आर थ्री, एम इंटू आर, एम इंटू आर, कोई तो फिजिकल पैरामीटर में चेंज हो रहा है। किसी भी मास की तीन प्रॉपर्टी होती है, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में पता चले अभी, आर डिस्टेंस, सही सुना है, एम इंटू वी आइकले, सोचो सोचो, मोमेंटम इसके बारे में बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको मोमेंटम बोलते हैं। तो ये भी तो मोमेंटम है, इसको क्या बोलेंगे हम, मोमेंट, इसको क्या बोलेंगे, मोमेंट, ठीक है। डिस्टेंस है तो मोमेंट बोलेंगे, यहां तक ठीक है, पढ़ाई करो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ो, ठीक है। यहां तक एम, एम वन का इंडिविजुअल इफेक्ट, ये एम टू का इंडिविजुअल इफेक्ट, एम थ्री का इंडिविजुअल इफेक्ट। देखो यहाँ पे मैंने जो ओरिजिन दिया है वो यहाँ से लिया है, यहाँ से ये आर वन डिस्टेंस, यहाँ से ये आर टू डिस्टेंस, यहाँ से ये आर थ्री डिस्टेंस, क्लियर है, चलो बढ़िया। तो अब बोलो टोटल मास, मान लो कोई सिस्टम है, कोई एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम में ये छोटे छोटे मासेस मिला के क्या बनाएंगे, एक टोटल मास है, टोटल मास, टोटल मास एम बनाएगा, ये भी सबको आता है, टोटल मास एम बनाएगा। उसी तरह आर वन आर टू आर थ्री, ये जो डिस्टेंस है या फिर पोजीशन है, हम इसे बोलेंगे पोजीशन, समझ लिया तो यार, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं हर बार, क्यों बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, इसकी एक डायरेक्शन में है, एम थ्री का जो पोजीशन है वो आर थ्री है, और किस डायरेक्शन में, एक्स, ये कौन से डायरेक्शन में पता नहीं, ये कौन से डायरेक्शन में पता नहीं, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, वाई डायरेक्शन में, इसलिए सब डायरेक्शन को अगर कोई एक ही लिख सकता है तो कौन है, पोजीशन वेक्टर, कौन है, आता है सबको, पोजीशन वेक्टर। क्या है उस पोजीशन वेक्टर का नाम, नोटेशन क्या है, आर वार, पोजीशन वेक्टर आर वार, कुछ भी लिखो, आई कैप, जे कैप, के कैप, कुछ भी लिखो, सब आ जाएंगे एक ही से, क्लियर है, याद है, पोजीशन वेक्टर आर वार, चलो बढ़िया। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर वार, एक वार एम वार, और एक वार एम, सॉरी टोटल मास एम और पोजीशन वेक्टर आर वार। तो ये सब मिला के क्या बना रहे, ये सब मिला के क्या बना रहे, टोटल मास मिलाया तो क्या बनेगा, पूरा एम बनेगा, और एक हर अलग अलग डायरेक्शन के पोजीशन वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करते, आर बार को, सबको मिला के, सोचा करो यार, गौर करो, गौर फरमाओ शब्दों के, समेशन, टोटल ऐड, सबको ऐड किया है, क्या मतलब एम वन, ये टोटल एम कब बनेगा, जब हम इसको ऐड करेंगे तभी तो ये टोटल मास एम बनेगा। और ये क्या बन रहे हैं, आर वन आर टू आर थ्री, अलग अलग डायरेक्शन में जाके क्या करें, एक सिंगल डायरेक्शन जो पूरे डायरेक्शन के बारे में बताएगा, क्या तक क्लियर है सबको, एम आर वार। तो क्या होगा बोलो, सब अपने अपने डायरेक्शन में अच्छे से घूम, ठीक है। तो बोलो यही रिजल्ट इधर लिख लेता हूं, यहां तक समझ में आया क्या किया, एम वन आर वन, चलो अच्छी बात है, फिर से बताने का काम नहीं, ऑनलाइन क्लासेस में कोई डाउट हो तो रिवर्स करो, ये हमारा टाइम बहुत बचा, एम वन आर वन बार, एम टू आर टू बार, बोलो एम थ्री आर थ्री बार, कितना था बोलो, इतना तो बोलो चला, ये भी सही बन पर टाइम का सस करता, एम आर बार फॉर्मूला आ जाता, बोलता उल्टा फॉर्मूला बोलता है प्रत्येक क्लास में, दे बोला हाँ, आर बार क्या है, पोजीशन वेक्टर, इंडिविजुअल जो आर बार क्या है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। यहाँ आर वन क्या समझ, चला पता सांग दो, आर वन आर टू आर थ्री एक इंडिविजुअल डिस्टेंस होते, अन्य सर्वांश कुछ तरीके एक सेंटर से, यहाँ सिस्टम का कुछ तरीके एक सेंटर से, या सेंटर ऑफ मास से, जी का लोकेशन असना कि मतलब क्या कोऑर्डिनेट असना, तो असना कौन का आर वन, तो असना कौन का आर वन का, कारण कि हाँ जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ सब और एक पर्सनल डिस्टेंस भी क्या है तर आर वन, ओरिजिन पर्सनल डिस्टेंस क्या है सर आर बार, समझते है, अरे बगा
ओरिजिन पासून या सेंटर ऑफ मास चा डिस्टन्स किती आहे r बाहेरचा r1 एम्प्लिट्यूड r2 एम्प्लिट्यूड r3 तसेच मग सेंटर ऑफ मास चा पण ते काहीतरी कोऑर्डिनेट असेल ना उसी तरह सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से कुछ ना कुछ डिस्टेंस चाहिए उसी को हम आर बार कह रहे उसी को हम क्या कह रहे आर बार कह रहे क्लियर है अगर इस फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है अगर हमें किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है समझ में आ रहा है अगर किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो कैसे निकालोगे इसी फॉर्मूले से निकालोगे जो अभी तक हमने बताया है इसी फॉर्मूले से निकालोगे कैसे ये जो आर बार दिख रहा है जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है इस सिस्टम के लिए चाहे किसी भी सिस्टम में सेंटर ऑफ मास कहीं पे भी मान लो सेंटर ऑफ मास कहीं पे भी मान लो यहाँ से अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ मास माना तो क्या होगा ये हुआ आर बार ये क्या हुआ आर बार तो क्या करोगे आर बार यहाँ पे रखोगे आर बार को वहां देखो कोने उसके साथ टोटल लाइन है उसको यहाँ पे लेके आओ क्या होगा उधर मल्टीप्लाई उधर मल्टीप्लीकेशन है इधर आके क्या होगा डिवाइडेशन तो क्या मिल रहा है तुमको रिजल्ट एम वन आर वन एम टू आर टू एम थ्री आर थ्री बार दे रहा हूँ हर बार सेक्टर के लिए टोटल मास है टोटल मास यही तो रिजल्ट देखा था नहीं सर अलग था थोड़ा अलग था क्या अलग था M1 plus M2 plus M3 यही था ये सब मासेस मिला के क्या बनने वाला है अभी तक मास टोटल मास ही बनने वाला ये ही फॉर्मूला बुक में है जो आपको याद करना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये रिजल्ट देखा था आपने क्या किया यहाँ पे ओरिजिन किसको माना है जहाँ पे कोऑर्डिनेट है जहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट जुड़ रहे समझ रहे हैं आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू यही फॉर्मूला देखा था बट आया कहाँ से यही तो बड़ा सवाल है आई होप अब आपको पता चल गया बस ये फॉर्मूला आया कहाँ से ये किसका फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास का सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का आर बार क्या है आर बार क्या है वो उस पॉइंट की उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आर बार क्या है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जहां पे क्या है सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बोलो किसका कोऑर्डिनेट है सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का ये किसका है इंडिविजुअल पार्टिकल्स का ये किसका है इंडिविजुअल पार्टिकल्स का इसी तरह सब किसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स के इंडिविजुअल पार्टिकल्स का हमने क्या देखा बोलो 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 इंडिविजुअल पार्टिकल्स का हमने क्या देखा इंडिविजुअल इफेक्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स का क्या देखा इंडिविजुअल इफेक्ट उसी इफेक्ट को क्या बोला हमने मोमेंटम उसी इफेक्ट को क्या देखा मोमेंटम हाउ एम इंटू वी इसके जगह हमने क्या देखा एम इंटू आर ये क्या हुआ सिस्टम का मोमेंटम सब मोमेंटम मिला के क्या मिलेगा एक टोटल मोमेंटम वही तो लिखा था सब मोमेंटम मिला के क्या मिलेगा एक पूरा टोटल मोमेंटम अगर टोटल मोमेंटम सिस्टम के बारे में कह रहा है अगर टोटल मोमेंटम सिस्टम के बारे में कह रहा है तो जो सेंटर आएगा वो भी तो सिस्टम पे आएगा यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आएगा वो भी किसका आएगा सेंटर का सिस्टम का आएगा सिस्टम का सेंटर आएगा क्लियर यहाँ पर आर बार ये क्या मिल गया आर बार जिसके अगल बगल में कौन घूम रहे होंगे इंडिविजुअल पार्टिकल्स वो अलग अलग अपनी अपनी दुनिया में मस्त है यहाँ तक क्लियर है सबको अब मान लो उसके बाद बताया था हमने टू पार्टिकल सिस्टम के बारे में क्या बोला था टू पार्टिकल सिस्टम एक मिनट क्या मेरा देख लो बढ़िया चल रहा है मेहनत नहीं जाएगी मेरी इतने गर्मी में आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जो आप लोग सोते हुए देखोगे हम यहाँ पे गर्मी में लड़कों में बना रहे हो गया सब एक घंटे की वीडियो आप लोग ना घर पे जाके 10-10 मिनट में देखो 10 मिनट देखोगे बोर होगा चलो खाना खा लो उसके बाद देखोगे 10 मिनट हो चलो पानी पी के आते चाय पी के आते ऐसे कर 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 पूरे एक दिन में एक वीडियो देखोगे पता है मेरे बच्चों के बारे में भी पता है कैसे देखोगे
क्लास में बैठते हैं, घर घर पे हो, आजूबाजू में किचन में पता नहीं क्या क्या बना के रखा है, वीडियो देखते समय पता नहीं क्या लेके बैठे आप, पेन पेंसिल नोटबुक की जगह खाने की प्लेट लेके बैठे हो, बराबर ऐसा देखना है। देखो याद रखो सत्तर से, ठीक है याद रख। तो टू पार्टिकल सिस्टम के बारे में बोलते, टू पार्टिकल सिस्टम, आई होप नाम से पता चल गया होगा क्या बताया था, क्या समझते हो टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। फिर मान लिया यहाँ पे कोई मास है, यहाँ पे भी कोई मास है, इथे भी ये बोलते हैं इथे दोनों मास कैसे है, सेम एम वन एम टू, एम वन एम टू बोथ आर ऑफ सेम मासेस, ठीक है। दो गलते बेटा सुना है साथ के साथ, मान लो यहाँ पे कोई लड़का है उसका वेट है 50 kg, उसका वेट है 50 kg, और मान लो यहाँ पे कोई कन्या है सुशील से कोई कन्या है उसका भी वेट है 50 kg, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा कुछ आर बार, होगा कुछ आर बार, और मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, और मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा भी वेट, ठीक है। अब किसी एक को तो मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा बताओ, क्या मानना पड़ेगा, ओरिजिन, इस लड़के को ओरिजिन मान लिया, चलो कन्या पता नहीं कहाँ घूम रही है, बस घूमते ही जा रही है, हमें क्या निकालना है, ये दोनों सिस्टम जो बनते हैं इन दोनों को मिला के दो सिस्टम बन रही है, इनका क्या निकालना है सेंटर ऑफ मास, ये निकालना पॉसिबल है जो अभी फॉर्मूला निकाला था। देखो यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम का सेंटर आर बार, अब पता चल रहा है आर बार, जो स्मॉल आर लिखते और कैपिटल आर में क्या फर्क है, ये आर किसका है सेंटर, सेंटर है किसका, सेंटर है सिस्टम का, ये किसका सेंटर है सिस्टम का, तो ये निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था अभी, आर बार सेंटर ऑफ मास, कितने लोग बैठे हैं, दो ही लोग बैठे हैं, एम1 आर1 बार, ठीक है। ये एम1 आर1 क्या है, आर1 क्या है बोलो, सोना मत, आर1 क्या है बोलो जल्दी, आर1 एम1 का कोऑर्डिनेट है ओरिजिन से, आर1 क्या है, आर1 एम1 का कोऑर्डिनेट है ओरिजिन से, ठीक है। एम2 आर2, आर2 क्या हुआ फिर, एम2 का कोऑर्डिनेट कहां से, ओरिजिन से, ठीक है। टोटल मास क्या होगा, 50 + 50 100 ग्राम, केजी, सोना मत अभी केजी लिखा है ग्राम ही, ठीक है। एम1 प्लस एम2, ठीक है याद है, बोलो जल्दी कैसे निकालोगे, ये आर बार निकालने में क्या निकालते हैं तुम लोग, बोलो आर बार निकालने में क्या निकालते, सिस्टम का सेंटर, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, सर पोजीशन वेक्टर पढ़ा था, पोजीशन वेक्टर निकाल रहे क्योंकि हर एक पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हर डायरेक्शन को मिला के एक ही वेक्टर बनाया, इसको नाम दिया आर बार, बोलो एम वन आर वन, एम वन की कीमत 50 50 50, कहा पे ये लड़का कहा पे पता नहीं कहा पे, कोऑर्डिनेट नहीं मिल रहा तो ये बोलना देंगे ना, पता नहीं कहा पे, चलो जीरो, उसके बाद एम टू, यहां से ओरिजिन को माना, ओरिजिन से ये लड़की आर डिस्टेंस घूम रही है, आर टू बोलते, अगर ये एम टू हुआ तो इसका डिस्टेंस क्या हुआ, आर टू बोलते, ये लड़की कहां पे घूम रही है, कन्या पता नहीं कहां पे घूम रही है, बोलते हम इसको ये आर टू डिस्टेंस दूर है, कहां से दूर है, ओरिजिन से, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये कन्या जो घूम रही है कहां से मेजर करना है, कहां पे घूम रही है, हवा में घूम रही है, घर पे घूम रही है, टेरेस पे घूम रही है, कहां पे घूम रही है, ओरिजिन से देख रहे हैं हमें, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस हुआ, आर टू डिस्टेंस वही तो लिखा है, ओरिजिन से ये लड़का कहां पे था पता नहीं, गायब था ऑस्ट्रेलिया की तरफ, इससे हमने क्या लिखा इसका कोऑर्डिनेट जीरो, ठीक है। बोलो 50 + 50 नीचे क्या आएगा, क्या हो जाएगा ये 100, तो बोलो क्या आएगा, ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, सिस्टम का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर सिस्टम का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा जो कि सेंटर है सिस्टम का, तो बोलो क्या होगा 50 × r2 बार, ठीक है। क्या होगा अभी इसको हम m1 m2 की तरह देते हैं, जो किताब में फॉर्मूला दिया है उसकी तरह देते हैं, ये हुआ m1 जो कि हमने वहां पे जीरो लिखा था, ठीक है। तो बोलो r सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, वो तो जीरो हो जाएगा, बचा कैसे m2, बचा कैसे
एम टू नीचे क्या हो जाए एम वन प्लस एम टू एम टू आर क्यू आर। यही फॉर्मूला कितना है, हर जगह पे ये फॉर्मूला दिख रहा होगा। अगर दोनों मास सेम है, अगर दोनों मास सेम है और तुम लोगों को पूछा जाए कि इन दोनों दोनों पार्टिकल्स ने बनाए हुए सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताओ, तो क्या करना है, किसे एक को री मानो और दूसरे को लिखो। एम वन को री माना तो क्या हो जाएगा, एम टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। आर टू बात नहीं लिखा तो भी चलेगा, साथ में लिखना चाहे साथ में लिखो। एम टू आर टू, एम वन को री माना तो एम वन का टर्म नहीं आएगा। इसी तरह अगर आर टू को री माना तो क्या होगा, बोलो इतना तो सुनो बेटे बेटे। अगर आर टू M2 को ओवर ही माना तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, M2 यहाँ पे ओवर ही पे M1 आ जाएगा। M1 R2 बार M1 प्लस M2, क्लियर है। चलो भाई क्या के समझ में आया, अगर कुछ लिखना हो तो देख लो, पॉज कर लो, कुछ नोट्स लिखना हो तो पॉज करके देख लो। यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना पुस्तक का वापस लेकर, पुस्तक हमारे एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मिलती है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट भरपूर है पुस्तक हमारे, जब आप समझता खरी प्रैक्टिस करने वाले जहाँ वे तुम्हें बुक का वापस लेना। क्लियर इट प्रेजर, देखो टाइटल बताता कोणाला ओरिजिन मानलं होतं, दोन पार्टिकल्स पैकी एकाला काय केलं होतं, ओरिजिन मानलं होतं। अब हम क्या करेंगे, किसी सिस्टम के किसी सिस्टम के चलो भाई कन्या और लड़का, ठीक है एक कन्या और एक लड़का, छोड़ सर प्लीज कन्या के पीछे पड़े छोड़ देते उन दोनों को छोड़ देते, ठीक है। एम वन एम टू, एम वन एम टू तो ये दो पार्टिकल्स है एम वन और एम टू एक सिस्टम है। अब हम क्या करेंगे, इस सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन कंसीडर करेंगे, इस सेंटर ऑफ मास को ही क्या करेंगे ओरिजिन कंसीडर करेंगे। क्या होगा इससे, इससे होगा क्या मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो बताओ। ठीक है बोलो, हमने क्या लिखा था, दोनों पार्टिकल्स का इंडिविजुअल इफेक्ट, दोनों पार्टिकल्स का इंडिविजुअल इफेक्ट, जिससे हमने क्या बोला था मोमेंटम, क्या लिखा था मोमेंटम, क्या था वो एम इंटू आर वन, अगर मास रखा हुआ तो आर वन, उसी तरह एम टू आर टू, ठीक है एम वन आर वन एम टू आर टू दोनों पार्टिकल्स का इंडिविजुअल इफेक्ट। क्लियर, यहाँ पे सबको क्लियर है, तो क्या होगा देखो, यहाँ एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू क्या होता है, आगे क्या था टर्म कुछ याद आ रहा है, सोचो सोचो आगे क्या था, टोटल मार्क्स का और टोटल सिस्टम का, पूरे सिस्टम का ये क्या था कोऑर्डिनेट था, सेंटर था, ये भी तो सेंटर डिस्टेंस था ओरिजिन से, ये भी डिस्टेंस था ओरिजिन से, और ये क्या है सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ओरिजिन से। क्या बोला मैं ध्यान से सुना, आर बार फाका है ओरिजिन पर्सनल, ओरिजिन पर्सनल लोकेशन का है सेंटर ऑफ मास की सद्या इथे काय ओरिजिन, हा काय ओरिजिन, ओरिजिन म्हणजे की कोऑर्डिनेट काय आहे सेंटर ऑफ मास ची 0 कॉमा 0, समजते क्या बोलतो, आर बार हा जो काय कोऑर्डिनेट आहे तिची काय पोझिशन आहे ओरिजिन पर्सनल ती किती आहे 0, ओरिजिन पर्सनल ची पोझिशन काय इथे लिहितो वाटत असत हा आर बार, त्याची लोकेशन काय 0 वरती, म्हणजे काय म्हणजे इकडची टक्के म्हणजे 0 M1 R1 बार प्लस M2 R2 बार इक्वल टू क्या हो गया इक्वल टू 0। अब एक बात बता रहा हूं, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इन दोनों पे लग रहा है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इन दोनों पे लग रहा है तो क्या होगा, अगर मैंने इस तरफ से एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस तरफ से एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये पूरी सिस्टम आगे शिफ्ट हो जाएगी टूवर्ड्स राइट साइड, टूवर्ड्स राइट साइड क्या हो जाएगी शिफ्टिंग, तो बताना सेंटर से M1 और M2 की कोई पोजीशन चेंज होगी नहीं,
कितना दूर ये था ना, दूर यहाँ, ये भी आगे पुश कर रहे हो तो क्या होने वाला है, आगे पुश कर तो क्या होने वाला है, वो डिस्टेंस उतना ही रहेगा, इसमें कोई चेंज होगा? प्रीवियस डिस्टेंस से, प्रीवियस डिस्टेंस से ओरिजिनल डिस्टेंस में या फिर नए डिस्टेंस जो बढ़ रहा है, कुछ फर्क क्या, कुछ फर्क हो रहा है नहीं? देखो यहाँ एक्सटर्नल फोर्स ला जर मी इकड़ में अप्लाई करो, या एक्सटर्नल फोर्स ला द एम वन ला मी डाउन साइड ला अप्लाई करते तो क्या होगा, हा मास एम वन इकड़े जाए आणि हा मास एम टू साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम कुठे जाईल, वेक्टर डायरेक्शनला, काय समजते, म्हणजे त्याचा इंडिव्हिज्युअल इफेक्टचा रिझल्ट याच्यावरती पडतोय, याच्यावरती जो फोर्स लागला या फोर्सला आपण इफेक्ट म्हणू, काय झाला, कोणता इफेक्ट झाला, त्याचं मोमेंटम घडलं, त्याचं काय घडलं, मोमेंटम, जर याचं मोमेंटम घडलं ते पण डाऊन साईडला, ते पण कोणत्या साईडला, डाऊन साईडला, ऍट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली द मास टू विल शिफ्ट टुवर्ड्स अपवर्ड्स, द मास टू विल शिफ्ट टुवर्ड्स अपवर्ड्स, याचा अर्थ काय, याचा अर्थ काय, जर हा खाली जातोय म्हणजे याचं मोमेंटम जर खालच्या साईडला, तर याचं मोमेंटम वरच्या साईडला, म्हणजे बोथ मासेस किंवा बोथ मासेस चं मोमेंटम कसं आहे, अपोजिट इन डायरेक्शन, बोथ मासेस किंवा मोमेंटम ऑफ काय म्हणतो आपण, मोमेंटम ऑफ बोथ मासेस, सोचो मोमेंटम ऑफ बोथ मासेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन, मोमेंटम ऑफ बोथ मासेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन, म्हणजे जिथे मी प्लस लिहित होतो किती वेळेचं, इथे काय लावा, इथे काय लावा, मायनस, इथे काय लावा, मायनस, याचा अर्थ काय, हे मायनस जर ते तिकडे गेलं तर काय होईल, पॉझिटिव्ह, दिस टर्म बिकम्स पॉझिटिव्ह, एम क्यू आर हे पडाय, प्रत्येक क्लास मध्ये हा फॉर्म्युला एक्सप्लेन करता डायरेक्टली लक्षात ठेवायला, काय सांगतात, दोन्ही इक्वल असतील तर कोणता फॉर्म्युला वापरणार, एम वन आर वन इक्वल टू एम टू आर टू, लास्ट लेक्चर मध्ये, लास्ट लेक्चर मध्ये ते शिकवलं होतं सेंटर ऑफ मास मध्ये इतका शिफ्ट झाला तर आर वन ला किती शिफ्ट करावं लागेल, आर टू ला किती शिफ्ट, मास वन ला, मास टू ला किती शिफ्ट, तसे प्रॉब्लेम दिले, त्याच्यामध्ये हा फॉर्म्युला बघितला होता, ठीक आहे, नोटबुक मध्ये आहे, बघून घेसा, एम वन आर वन इक्वल टू एम टू आर टू, हा फॉर्म्युला समजला कसं, हा सुद्धा एक इम्पॉर्टंट रिझल्ट आहे, हा सुद्धा एक काय इम्पॉर्टंट रिझल्ट, कोणकोणते रिझल्ट बघितला त्यात आपण सेंटर ऑफ मास कसं काढायचं, सिस्टीमचा सेंटर ऑफ मास कसं काढायचा, आणि हा दुसरा एक इम्पॉर्टंट रिझल्ट, कधी येणार हा रिझल्ट, ज्या सेंटर ऑफ मास कुठे ओरिजिनला, सेंटर ऑफ मास कुठे ओरिजिनला, किंवा असं बोला ओरिजिन कोणाला कन्सिडर केले, सेंटर ऑफ मास, ओरिजिन कोणाला कन्सिडर केले, सेंटर ऑफ मासला, जर ज्यावेळेस आपण ओरिजिनला सेंटर ऑफ मास मानतो त्यावेळेस काय रिझल्ट आहे, एम वन आर वन इक्वल टू एम टू आर टू, क्लिअर इथपर्यंत, काही नोट करणार असेल तर पॉज करून नोट करून घेऊ शकता, झालं पॉज झालंय, फाय फोर थ्री टू वन, ओके, ह्या रिझल्टला बघा काय काय कन्फ्युजन, काय काय कन्फ्युजन तुझ्या लक्षात येतात बघा, कुछ कन्फ्यूजन निकालना पड़ेगा ना इससे, और मतलब का कोई बताएगा नहीं, किताब ने तो नहीं दिया हुआ, क्या कन्फ्यूजन है इससे, देखो एम वन आर वन बार इक्वल टू एम टू आर टू बार, ये फॉर्मूला कन्फ्यूजन क्या किया, अगर हम मास मास का रेशियो ले और डिस्टेंस डिस्टेंस का रेशियो ले तो एक बढ़िया सा मासूम सा प्यारा सा एक कन्फ्यूजन बनेगा, एम वन एम टी जरा आएगा तो ऊपर क्या बचा आर टू बार अपॉन आर वन बार, ये रिजल्ट आएगा, इससे क्या समझ में आ रहा है, अरे बताओ इससे क्या समझ में आ रहा है, एम वन एम टू, एम वन का डिस्टेंस कौन था, आर वन था, ये तो नीचे चला गया, नीचे चला गया मतलब क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एम टू यहाँ के नीचे इसका डिस्टेंस कहाँ पे ऊपर है, इसका मतलब दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अरे बच्चों सोचो सोचो एम वन वन अपॉन आर वन, एम टू क्या हुआ आर टू ऊपर है, एम वन
ये हुआ M2, ये कहां पे गया R2, इसी का मतलब क्या, दैट इज M2 वन अपॉन R2। इन सबको मिला के नॉर्मल सर्कल के लिए क्या हो रहा है, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। समझ में आ रहा है, म्हणजे काय समजते, हा जो फॉर्मुला घेतला आपण, हा जो फॉर्मुला लिहिला आपण, याच्यातून काय समजते, या दोघांपैकी एखादा मास जर हेवियर असेल तर, एखादा मास जर हेवियर असेल तर एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू, तोच फॉर्म्युला लिहिला जातो, फक्त माइनस मध्ये लिहिलं जातं, क्लिअर आहे। एम वन आणि एम टू, जर एक आहे एम वन आहे आपला 50 केजी आणि एम टू आहे 100 केजी, सेंटर ऑफ मास कोण वगैरे शिफ्टणार, ऑब्व्हियसली द सेंटर ऑफ मास विल गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द हेवियर ब्लॉक और हेवियर मास, सेंटर ऑफ मास विल गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स हेवियर मास। व्हाई, यही तो रिजल्ट बता रहा है हमें, अगर एम टू हेवियर है, अगर एम टू हेवियर है तो उसका सेंटर ऑफ मास, तो उसका सेंटर ऑफ मास दूर होगा या नजदीक होगा, अगर एम टू का मास हेवियर है, अगर M2 का मास हेवियर है तो उसका डिस्टेंस सेंटर से कैसा होगा, कम, उसका डिस्टेंस कैसा होगा सेंटर से, कम, ठीक है, मतलब सेंटर से इसकी दूरी कैसी होगी, बहुत कम। समझ में आ रहा है, समझा क्या बोलो, जब मास जास्त असेल तो सेंटर सुद्धा त्याच्या कसा असेल, जवळ, मास जास्त तो सेंटर जवळ, वॉइस वर्सा, अंडरस्टँड, फिजिक्सला काय लागतं प्रत्येक बेसिक गोष्ट आहे, मी क्लासमध्ये पण सांगितलेली, काळी घेऊन आठवलं ते, जिकडे मार्क जास्त असणार त्या साईडला सेंटर करून शिफ्ट, बट हा कसं प्रूव्ह करणार, या मेथडने, प्रत्येक गोष्टीला काय असतं, लॉजिक असतं, एकदा लॉजिक लक्षात घेत प्रत्येक गोष्ट विसरते का, नाही, ट्राय टू फोकस ऑन द स्मॉल थिंग सो दॅट यू विल गेट ए क्लिअर आयडिया अबाउट हाऊ इट ऍक्च्युअली हॅपन्स, हाऊ इट ऍक्च्युअली हॅपन्स। आय होप सगळं काही समजलं, आता जितकं आलं तितकं, त्याच्यानंतर बघा इकडे ते क्लिअर आहे, तर सांगा बरं का जे काय असतात का मासेसचं बघितलं ना आता पण हेवियर ब्लॉक वगैरे वगैरे त्याचा त्याचा इकडे तिकडे असणार जास्त मासेस येतात, बोला केमिस्ट्री, बोला केमिस्ट्री बद्दल बघायची, सोडियम क्लोराईड एनएसीएल, केमिस्ट्री मध्ये चांगली मी बट थोडं थोडं समजतं, एनए ह्या दोघांमध्ये कोण आहे वेटेड, कोण आहे हेवियर, कोण आहे क्लोरीन, तर मग सेंटर ऑफ मास कोणाकडे शिफ्ट करता, क्लोरीन कडे, 31 ऍटॉमिक, नॉट ऍटॉमिक नंबर, जोपास काढायच्या ओळखत ऍटॉमिक नंबर नाही, ऍटॉमिक मास नंबर नंतर बोलतोय, 35 क्लिअर आहे, एचसीएल, एचसीएल म्हणजे किती आहे ऍटॉमिक मास नंबर 1, त्याचे किती आहे परत सेम 35, इतकं वेळा तर समजतं, तुम्ही जसं आम्ही स्टडी करताय क्लोरीन केमिस्ट्री बद्दल, ऍटॉमिक मास म्हणजे सेंटर कोणाकडे असणार, दुखलेला क्लोरीन डेरिपर्यंत, टू मास पार्टिकल सिस्टीम मध्ये आपण काय सांगू शकतो, कोणतं एक्झाम्पल समजा घ्यायचं झालं तर अर्थ आणि मून, अर्थ आणि मून बोला कोणाकडे असणार सेंटर, सेंटर कोणाकडे शिफ्टेड असणार, गडा 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 झोका गडा झाला का झोका, बोला कोणाकडे असणार अर्थ कडे, सर तुम्ही मोजलं तर का वजन बघायचं, नाही गुगल वरती आहे बघून घ्या कोणाचं किती वेट आहे, क्लिअर इथपर्यंत, ओके देन नेक्स्ट टॉपिक, जो काय बघितलं आपण कोणता बघितला का, बोला कोणता बघितला का, मल्टिपल पार्टिकल सिस्टीम साठी, कोणता मल्टिपल पार्टिकल सिस्टीम साठी, फॉर ऑलरेडी झाले फक्त ज्या नेमिंग गोष्टी आहे त्याबद्दल बोलतो, फॉर मल्टिपल पार्टिकल सिस्टीम, फॉर मल्टिपल पार्टिकल सिस्टीम, जस्ट कन्सिडर we have different masses with their different distances from origin, with the different distances from origin, clear itpareta yancha distance kay asnar r1 r2 r3 r4, clear itpareta the second the individual effect kay asnar, the second the individual effect m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 plus
एम फोर आर फोर मे वेक्टर साइन रिप्रेजेंट करत नहीं है समझ एम टू आर थ्री एम थ्री आर थ्री एम फोर आर फोर इक्वल टू क्या सर एम आर इक्वल टू क्या सर एम आर समाधान ठीक है फिर क्या है समेशन ऑफ टोटल मासेस विद देयर इंडिविजुअल इफेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू एम आर काय म्हणतो आता काय म्हणतो तो सर आता प्रीवियस केस मध्ये काय होतं सेंटर ऑफ मास कुठे ओरिजिन ला चला या सिस्टमचा सेंटर ऑफ मास कुठे तरी आहे सेंटर ऑफ मास कुठे आहे आणि आपण जर सेंटर ऑफ मास ला काय म्हणले ओरिजिन सेंटर ऑफ मास ला काय म्हणले ओरिजिन त्याच्यामुळे आपण काय लिहू शकतो समेशन ऑफ एम आर 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 इज इक्वल टू 0 व्हाय 0 बिकॉज सेंटर इज ऍट ओरिजिन y0 center is at center of mass of system is at origin that's right what we can do I is equal to 1 up to n numbers I is equal to 1 up to n numbers equal to 0 clear त्याच्यामुळे आपण काय करतो summation of all individual effects of individual particles is equal to 0 म्हणजे याचा जो काय रिझल्ट असणार तो सेंटर ऑफ मास कसा असणार 0 च असणार सेंटर ऑफ मास सर्वांचा इंडिविजुअल इफेक्ट म्हणजे मोमेंटम वगैरे जे काय असणार ते कसं असणार 0 असणार क्लियर आहे क्लियर इपर्यंत दॅट्स व्हाय वी ऑलवेज से मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0 क्लियर इपर्यंत अबाउट सेंटर ऑफ मास इंडिविजुअल इफेक्ट जे बोललो ते पुस्तकात बघून सांगतो परत इंडिविजुअल इफेक्ट मोमेंटम कसं असणार सेंटर ऑफ मास ला इंडिविजुअल इफेक्ट सेंटर ऑफ मास ला प्रत्येक इंडिविजुअल पार्टी एक इकडे एक इकडे एक इकडे बट सेंटर ऑफ मास ला काही इफेक्ट जाणार का नाही ते जे सांगते इंडिविजुअल इफेक्ट सेंटर ला कसं असणार आहे 0 ये डिफरेंट अरे समजलं का नसेल समजलं सायकल चालवली का कधी लहानपणी सायकल कडाने गाड्या पुढे चालवायला लागले सायकल सायकल से पैंडल इमेजिंग करा बघा सायकल से पैंडल इमेजिंग करा ठीक आहे ते सायकल से पैंडल ह्या पैंडलला चालवायचे नाही पुढे जाऊ नका ठीक आहे सायकल से पैंडल बाहेर करा पैंडल इमेजिंग करताय त्या सायकल से पैंडल बाहेर काढून द्या फेकून द्या वाय वाजी ये सांगतो की करा ठीक आहे फोर्स लावा आणि त्याला फेकून द्या काय होणार आहे सायकलचं पॅन्डलचं काहीतरी मास असणार सायकलच्या पॅन्डलचं काहीतरी मास असणार असणार ठीक आहे ते काय होणार जर एखादा मास वरती मी फोर्स लावतोय जर एखाद्या मास वरती मी फोर्स लावतोय तर रिझल्ट काय होणार इफेक्ट काय होणार बोला अरे भाई साहब बोलो जल्दी अगर किसी मास के ऊपर फोर्स लगा है तो उस पार्टिकल में या फिर उस मास की प्रॉपर्टी में क्या चेंजेगा वो मास क्या करेगा एक्सेलरेट करेगा कहां से आया एफ इक्वल टू एम से आया भाई वो छोटा छोटा कंसेप्ट है भाई ठीक है अब ये जो एक्सेलरेट करेगा उस पैंडल का क्या एक्सेलरेट करेगा सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करेगा क्यों ये तो अलग अलग जगह से घूमेगा ये कभी नीचे आएगा ये कभी ऊपर आएगा क्यों इंडिविजुअल इफेक्ट कैसा है अपोजिट डायरेक्शन है अगर ये इधर घूम रहा है तो ये किधर जाएगा ऊपर समझ में आ रहा है बट ओवरऑल पूरी सिस्टम आगे बढ़ रही है एक्सेलरेट कर रही है तो सिस्टम का पूरा एक्सेलरेट कर रहा है न्यूटन के सभी लॉ किसके लिए लागू होते हैं इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास के लिए ठीक है तो ये एक्सेलरेट कर रहा है अब समझ में आया फोर्स लग रहा है मास पे तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा है वही मैं बोल रहा था इंडिविजुअल इफेक्ट क्या रहेगा टोटल 0 सेंटर में क्या रहेगा इसका 0 एक्सेलरेट करेगा यहां तक सब क्लियर है बढ़िया देखो लास्ट पॉइंट है 16 नंबर ठीक है अब देखो कुछ याद आ रहा है इसको देख ले ये हमारे पास कुछ एक कैनन है कुछ याद आ रहा है हमारे पास एक कैनन किसी को तो बिठाया था इस पे याद है बोलो किसी को याद है सबको याद होगा क्योंकि मैं ही बैठा था ये कैनन को अगर हम ब्लास्ट करें अगर इस कैनन को हम क्या करें ब्लास्ट करें कैनन को ब्लास्ट नहीं करते हमारे लोग कैनन में जो बॉल था जो
जो भी उसमें कुछ बोला तो उसको फायर करते जो भी हो, हमें मतलब उससे नहीं है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन में या फिर किसी ट्रैजेक्टरी में अगर थ्रो करे तो क्या होगा, तो क्या होगा, क्या होगा, एक पैराबोला पाथ क्रिएट होगा, क्या होगा, एक पैराबोला पाथ क्रिएट होगा। चलो एक सेकेंड बाद मान लेते हैं, एक सेकेंड बाद आफ्टर वन सेकेंड आफ्टर वन सेकेंड क्या होगा, वो जो बॉल था वो ब्लास्ट हो गया, वो क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। उसके कुछ पार्टिकल्स इधर गिर गए, कुछ इधर जा रहे, कुछ इधर जा रहे, ठीक है। आफ्टर टू सेकेंड, ये कब था, आफ्टर वन सेकेंड, आफ्टर टू सेकेंड, आफ्टर टू सेकेंड इधर कुछ नहीं हुआ, ब्लास्ट हो गया, क्या बचा, इधर कुछ बचा है क्या, पूरा तो ब्लास्ट हो गया, ठीक है। चलो बोलो इधर ये रहा आफ्टर वन सेकेंड, सब अलग अलग डायरेक्शन, ये इधर गया, चलो ये इधर था, इधर निकला, ये इधर चला गया, ये इधर, ये इधर, सब और बना क्यों, इसी में कुछ नहीं बचा, चार बना तो मेरी दिक्कत बन जाएगी, ठीक है। तो ये वन सेकेंड बाद, वन सेकेंड बाद मान लेते एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, आफ्टर वन सेकेंड, समझ, आफ्टर वन सेकेंड। सिमिलरली देखो आप बोलो इन तीनों का कोई एक सेंटर होगा, इन तीनों का अगर पूरे सेंटर मान ले, सेंटर निकालना पड़ेगा, अगर इन तीनों का कोई एक सेंटर मान ले तो ये तीनों का, ये देखो इससे ये जो पार्टिकल नीचे और इसके नजदीक होना चाहिए सेंटर, तो मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे ड्रॉ किया, इससे भी ये नजदीक है और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। आफ्टर टू सेकेंड सिमिलरली आफ्टर टू सेकेंड तो क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, इसका का कोई टुकड़ा है, कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये यहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे आ गए और ये यहाँ पे आ गए। देखो ये यहाँ से नजदीक मैंने कोई सेंटर चूज किया, ये यहाँ से नजदीक है, यहाँ से ये, यहाँ से ये और ये दूर है, तो ये भी यही पे आएगा, ठीक है। आफ्टर थ्री सेकेंड ये हो गया, आफ्टर टू सेकेंड ये हो गया, आफ्टर वन सेकेंड, ये सब क्या है, सर्कल में सर्कल क्या है, सेंटर है, ठीक है। आफ्टर थ्री सेकेंड ये पार्टिकल यहाँ पे, ये पार्टिकल यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो बोलो इसका सेंटर कुछ यहाँ पे आएगा, इसका सेंटर यहाँ से नजदीक, यहाँ से नजदीक, यहाँ से दिखने में दूर है बट सेंटर बनाना पड़ेगा ना सिस्टम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिखते ड्रॉ कर, तो देखो भले ही अब सोचने वाली बात ये है, कुछ सोचो यार कुछ बन रहा है, देखो ये भले ही अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हो बट इसके सेंटर देखो, इसके सेंटर देखो, इसके सेंटर क्या कर रहा है, इसके सेंटर क्या कर रहे, एक पैराबोला कि जैसा पाथ फॉलो करे, समझ में आ रहा है। इस जो हमने जे क्या आपण बघितलं होतं लॉज ऑफ मोशन मध्ये, मोशन इन वन डी, मोशन इन टू डी जे काय बघितलं होतं, त्या सगळ्यामध्ये काय बघितलं होतं आपण की एखादा बॉल जर तरी ब्लास्ट झाला तर तरी सुद्धा तो कुठे जातो, पुढे जातो, ऍक्च्युली त्याचं कोण पुढे जातं, सेंटर पुढे जातो, त्याचं कोण पुढे जातं तर सेंटर पुढे जातो, क्लिअर इथपर्यंत, समजलं। सेंटर ऑफ मास इम्पॉर्टन्स काय, न्यूटन्स कोणी विचारलं न्यूटन्सचे लॉ कोणाला ऍप्लिकेबल होतात तर ते कोणाला ऍप्लिकेबल असतात, पॉइंट चार्जेसला, आणि अशा केसेसमध्ये पॉइंट चार्ज कुठे कॉन्सन्ट्रेट केलेला असतो, अशा केसेसमध्ये पॉइंट चार्ज कुठे कॉन्सन्ट्रेट केला असतो, तर सिस्टीमच्या सेंटरला, अशा केसेसमध्ये पॉइंट चार्ज कुठे कॉन्सन्ट्रेट केलेला असतो तर सेंटरला, क्लिअर इथपर्यंत सगळ्यांचं। लॉज ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, लॉज ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, हे कुठे होतं आपण, असं एक इकडे गेला एक तिकडे गेला, कुठे होतं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कुठे बघायचं सगळे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आय होप यू गाइज रिमेंबर दिस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इक्वल टू झिरो, आठवलं काही, काय म्हणायचं आपण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इफ जर एखाद्या सिस्टीम मध्ये फोर्सेस नाही लागला
जर एखाद्या सिस्टीम वरती फोर्सच निघाला तर सिस्टीमचं मोमेंटम काय म्हणतो आपण कंजर्व, देन सिस्टीमचं मोमेंटम काय म्हणतो आपण कंजर्व, काय कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व. इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, आठवत, इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देन द मोमेंटम, देन द मोमेंटम ऑफ सिस्टीम इज कंजर्व, देन द मोमेंटम ऑफ सिस्टीम इज कंजर्व. अगर मोमेंटम भी कंजर्व है, अगर मोमेंटम भी कंजर्व है, मास से भी सब कंजर्व है, तो वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा बताओ, वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? अरे भाई साहब बोलो जल्दी, मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा? एमवी. अगर मोमेंटम कंजर्व, मास भी कंजर्व, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? कंजर्व. वेलोसिटी भी क्या होगी? कंजर्व. इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी. क्या बोलते हैं इसी को? कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी. कुछ भूल रहे हो, कुछ तो मिसिंग है. कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी किसकी? सिस्टम की नहीं, सिस्टम के सेंटर की. कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. समझ में क्या कहां से लाया हमने? मोमेंटम इक्वल टू एमवी. अगर ये कंजर्व, मास भी कंजर्व, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? कंजर्व. आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस. आई होप यू एंजॉय द लेक्चर. कीप द नोट्स दैट यू थिंक दैट दिस पॉइंट और दिस कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट टू यू, देन प्लीज make a note of this. Have a great day. See you in next lecture. See you tomorrow. या फिर see you in afternoon, ऐसा तो बोल नहीं सकते. क्या बोलना पड़ेगा? See you in next lecture. Have a nice day.